गाइस, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी और गलगोटिया कॉलेज का जो गर्ल्स हॉस्टल है वो एक ही है और वो लोकेटेड गलगोटिया कॉलेज के कैंपस में। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग गाइस। आज हम करने जा रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल का रिव्यू। तो गाइस, आज पहले हम एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को ये वीडियो में दिख रहा है, ये है पूरा बाहर से जो व्यू होता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल का, वो सारा कुछ है। ये है बाहर से कुछ गर्ल्स हॉस्टल ऐसा दिखता है। अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो गाइस, एक मेन बात कि गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज जाना तो अलाउड है नहीं, तो इसीलिए मैंने किसी से गर्ल्स को भेज के मैंने सारी वीडियोस कैप्चर करवाई हैं। अब उसमें आपको दिखाता हूँ, पहले गर्ल्स के भी रिव्यू जिसने बनाई है उसके भी रिव्यूज़ हैं, और फिर उसके बाद मैं अपने रिव्यू देता हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल में क्या है क्या नहीं है। फिर आप सब अब वीडियो में देख लेंगे। तो गाइस, ये शुरू की एंट्रेंस में मतलब आपको चेयर्स वगैरह मिलती हैं जैसे बाहर सिर्फ बैठने वगैरह के लिए। तो गाइस, ये वाइंडिंग मशीन के बाद सारा कुछ मतलब आपका एंट्री, जैसे लोग आते हैं तो उनकी एंट्री वगैरह होती है, सारा कुछ वो एंट्री वगैरह का कराने का सीन है। फिर उसके बाद अंदर जाके सारे रूम्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। साइड में रूम्स के सामने एक ग्राउंड दिख रहा है, वो आप ही के सबके लिए, गर्ल्स के लिए यूज होता है, मतलब मेनली गर्ल्स के लिए है वो, जिसमें आप हॉस्टल के अंदर रहकर वॉक वगैरह भी कर सकते हो, जो आपको एंजॉय वगैरह करना है वो भी कर सकते हो। मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट रूम के अंदर। तो गाइस, ये था गर्ल्स हॉस्टल का वॉशरूम, जिसमें सिर्फ मतलब आपको क्या ही बोलूँ, मतलब एक बाल्टी मिल जाती है, एक मग मिल जाता है, और सारा छोटा सा है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइल्स वगैरह भी न्यू हैं, तो मतलब अच्छा ही है। और उसके बाद हम चलते हैं अब रूम में, देखते हैं बेड वगैरह कैसे हैं। ये हम लोग की कबर्ड है, तो यहाँ पे ये 3-सीटर रूम है। ये स्टडी टेबल भी दे रखा है इन लोगों ने। बाहर का व्यू, कैंटीन है ये भाग पे बाहर। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये है पूरा रूम का व्यू। इसमें आपको मेनली ज़्यादातर जो रूम्स होते हैं वो 3-सीटर ही मिलेंगे, और उसमें स्टडी टेबल एंड चेयर, आपको स्टडी टेबल जो होगी वो अटैच मिलेगी वॉल से, और जो एक चेयर है वो आपको अलग से मिलेगी, और ये आपको सबको पर्सनली सबकी अलमीरा मिलेंगी जो कि सारी लॉकड होंगी, और उसमें मतलब आपको की मिलेगी, उससे मतलब कर सकते हैं जो भी। बट आपको एक मेनली चीज़ बताऊँ, मैंने देखा था गर्ल्स हॉस्टल में लोग अपने मतलब कि लोग गर्ल्स वगैरह तोड़ देती हैं, पता नहीं क्या होता है, इसलिए अपनी लोग इसलिए अपने गर्ल्स सारी अपने वो लेके जाती हैं, एक छोटी सी चैन लेके जाती हैं, उसे चैन से मतलब बाइंड करके उनके डोर्स वगैरह को, तब वो छोड़ के जाती हैं, क्योंकि इतना सेफ नहीं था पता नहीं क्यों। बट मैंने जितने फ़ोटोज़ देखे थे, मैंने मंगाए थे, तो उसमें सिर्फ मेनली सब ने ऐसे ही बाइंड कर रखा था डोर को। सो गाइस, ये हमारा टीवी रूम है गर्ल्स हॉस्टल का। यहाँ पे तो गाइज, ये था पूरा टीवी रूम, जिसमें मतलब आपको बैठने की अच्छी खासी जगह मिल जाएगी, सारा कुछ परफेक्ट था और सब कुछ ही अच्छा भी है। बट इसमें मेन मुझे ये कमी लगी है कि टीवी बहुत छोटी है, इतने लोग मतलब क्राउड में होगा तो टीवी इसके लिए बहुत छोटी है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट जगह। तो गाइज, जब हम एंटर कर रहे हैं मैस में, तो गाइज ये है पूरी मैस। अब देखते हैं ये मैस के अंदर और क्या क्या है। गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैस में वेंटिलेशन के लिए अच्छी जगह है, बाहर विंडोज भी हैं। ये गाइस हम लोगों की मैस है। जहां से आप जो मन चाहे खा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये तो पूरी मैस, आप साइड से मतलब वो प्लेट वगैरह रखी हैं और ग्लास वगैरह रखे हैं, उससे मतलब खाने वगैरह का सामान ले सकते हैं, और आगे सर्व करने के लिए भी जगह है, और ये इतना पूरा बैठने का एरिया ठीक है। और मतलब मैस वगैरह ठीक है, अच्छी थी, बट मैंने मैस के बहुत गर्ल्स से रिव्यू लिए थे,
तो वो बस मैस का यही बताती थी कि मैस सिर्फ देखने में ही अच्छी है, नॉट फॉर फूड के मामले में इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ मैस देखने में अच्छी है, उसका खाना खाने लायक है बट इतना भी खाने लायक है नहीं है, नॉट बैड एंड नॉट गुड के बीच में भी नहीं आती। अब ये मान लीजिए नॉट थोड़ा बैड में ही ज़्यादा आती है, बट हाँ वो मेली फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें इतना पसंद नहीं आता है। इसकी मेन जो प्रॉब्लम रहती है, एक मैम है जो वार्डन है, वो मेन तो आपको स्ट्रिक्ट मिलेंगी तो मिलेंगी, वो मेली हर किसी में ही मिलती हैं बट स्ट्रिक्ट इसमें ज़्यादा ही है। तो गाइज नाउ वी आर एंटरिंग जिम, अब मैं आपको जिम का दिखाता हूँ, जिम में क्या है, सारी क्या इक्विपमेंट्स हैं, अब देखिए। Heading towards the gym. तो गाइस ये आपको mainly एक साइकिल दिख रही है। दो ट्रेडमिल्स हैं। गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा जिम में मेनली दो ट्रेडमिल थी, दो क्रॉस ट्रेनर थे और एक जो मेन मशीन थी जिससे आप से मेनली सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और दो तीन ब्रेंचेस थी बस और कुछ नहीं, डंबल तो मेनली मुझे नहीं दिख रहे थे, बट हाँ जिम थोड़ा ठीक ठाक थी, करने लायक थी, गलगुटियाज के हिसाब से तो ठीक ही थी, बट जो हमारे गलगुटियाज के बॉयज़ हॉस्टल में जिम है उससे लाख गुना बढ़िया है क्योंकि उसमें सारी मशीन्स हैं, सब कुछ है, इससे थोड़ी और बेटर क्वालिटी है उसकी, और जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी सारा ठीक है, बट इसमें इतना अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से, नॉट गुड। ये आपका जिम के बाहर का व्यू आ जाता है जो कि थोड़ा अच्छा है, का व्यू ऐसा कुछ था, एंड देन ये सारा कुछ इसी में इंक्लूडेड है, और इसके मैं आपको एक बार चार्जेस बता देता हूँ। मैं ये मेनली आपको थ्री सीटर मिलते हैं, थ्री सीटर में नॉन एसी मिलेगा आपको 11,500 का और एसी मिलेगा 14,000 अप्रोक्स मिलेगा, बट इसके रेट ऊपर नीचे कभी भी हो सकते हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा गलगुटियाज की वेबसाइट पे जाके, और किसी भी और उस जहाँ से मैं बताना आप डायरेक्ट जाके गलगुटियाज की वेबसाइट पे चेक करना, जो कि मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइज ये हैं सारे कुछ जो मैंने फोटोज भी क्लिक करवाई, फर्स्ट फोटो है वो जिम के बाहर का व्यू है, और ये सेकेंड फोटो मैस वगैरह का है, मैस का हाँ लाइटिंग वगैरह अच्छी है मैच की और सारा कुछ भी ठीक है, ये सारे मैच के फोटोज़ हैं जो चल रहे हैं पीछे, और उसके बाद आता है ये गाइस टीवी रूम का फोटो, ये सारे टीवी रूम के फोटोज़ हैं, बस मेनली इसमें ज़्यादा नहीं है चीज़ें जितनी बॉयज़ हॉस्टल में थी, बट हाँ जो है वो इतना ही है। अब मैं गाइस एक मेन बात बता दे रहा हूँ आपको, जो कि गर्ल्स हॉस्टल में एक मेन प्रॉब्लम रहती है कि गर्ल्स हॉस्टल को 6 बजे के बाद निकलने नहीं दिया जाता है, 6 बजे तक उनकी एंट्री मतलब गर्ल्स हॉस्टल में होती है, अगर वो बाहर निकलना भी चाहेंगी तो अब उनको अपने पेरेंट्स से बात करवानी पड़ेगी और या फिर किसी रिलेटिव से बात करवानी होगी, वो कहाँ जा रही हैं कैसे जा रही हैं, नाइट आउट के लिए भी जा रही हैं, तो उन्हें मेनली घर वालों से बात करवा कर ही जाना पड़ेगा, ये इनकी मेन स्ट्रिक्टनेस है। और गाइस को छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वाशिंग मशीन का क्या चक्कर है, तो वाशिंग मशीन मतलब ये होता है कि अगर आप 10 रुपीज़ देते हैं तो 30 मिनट्स चलती है और आप 20 रुपीज़ देंगे तो 60 मिनट चलेगी, बस यही सारा वॉशिंग मशीन का सीन है, सारे मतलब जो भी कपड़े आपके वॉश होते हैं वो सारे बस पैसे के उस पर ही होते हैं, बस ये था पूरा वॉशिंग मशीन का सीन। और यहाँ पे आपको कहीं वॉशिंग मशीन की फ़ोटो भी आ रही होगी, वीडियो भी चल रही है, तो आप वॉशिंग मशीन का देख सकते हैं वॉशिंग मशीन कैसी है, शायद मुझे एक ही दिखी थी आपको। मैं बताना चाहता हूँ ये फ्लोर पर 12 रूम है और मोस्टली 3 सीटर्स हैं, और हाउसकीपिंग की जो सर्विस हो आपको अर्जेंट हो तो आप हैंड टू हैंड करवा सकते हैं कॉल करके, और वैसे तो डेली होती ही, अगर कुछ भी मतलब अर्जेंट होता है तो कॉल करने पे हाउसकीपिंग वाले आ जाते हैं और वो साफ सफाई कर जाते हैं। गाइस अब बात रही विंटर्स में गर्म पानी के लिए, तो उसमें गलगुटिया के ये ड्रॉबैक्स ये है कि वो गर्म पानी के लिए रॉड नहीं देते हैं, आपको अपनी तरफ से रॉड लानी पड़ेगी, ना उसमें गीजर वगैरह है कुछ गर्म पानी के लिए, बट एक मेन मुझे मेन ड्रॉबैक की लगा है। अब मेन बात आती है गलगुटिया कॉलेज से ये बस जाती कितने बजे है, ये बस जाती है 8 बजे जाती है, 9 बजे जाती है और 11 बजे जाती है, और वहाँ से बस निकलती है गलगुटिया यूनिवर्सिटी पे से आपको गलगुटिया हॉस्टल के लिए गर्ल्स हॉस्टल के लिए जाने के लिए 3:40, 4:40, 5:40 पे 3 बार बस चलती है और सुबह भी 3 बार चलती है, तो आप इससे मतलब अप डाउन कर सकते हैं, इसकी जो चार्जेस होंगे वो सारे एसी में, जो इतना सारा कुछ है वो सब एसी पैकेज में इंक्लूड है। तो ये था मेन आपका गलगुटिया यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का रिव्यू, और गाइज अगर आपको किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आज आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं उसमें आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं सभी के DM के रिप्लाई भी करूँगा। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है गर्ल्स हॉस्टल से रिलेटेड तो मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए हूँ, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं आप सभी को फिर एक बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।